कथा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है वैदिक साहित्य से चुनी हुई एक कहानी यक्ष। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये कहानी केन उपनिषद में मिलती है। केन का अर्थ है किसके द्वारा। इस उपनिषद का प्रारंभ केन शब्द से होता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। किसके द्वारा ये सब होता है। कौन मन को प्राण को बनाता है। कौन है जो मुख को वाणी आंख को दृष्टि और कानों को सुनने की शक्ति देता है। कौन इस संसार की रचना करता है। कौन है जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा एक के बाद एक आते हैं और जाते रहते हैं। किसने दिन रात और मौसमों के बदलने का एक निश्चित क्रम बनाया है। ऐसे बहुत से सवालों को उपनिषदों में उठाया गया है। वेदों की संहिताओं में तो देवताओं की प्रधानता है। उनमें देवताओं को वीर दयालु और मनुष्य की सहायता करते हुए दिखाया गया है। कभी इंद्र को, कभी सूर्य या विष्णु को, कभी अग्नि को, तो कभी वरुण को सबसे बड़ा और सबसे महान कहा गया है। लेकिन उपनिषदों में ये सवाल उठाया जाने लगा कि क्या देवता सचमुच सब कुछ कर सकते हैं। उपनिषदों में ये बताया गया कि देवताओं से भी बढ़कर कोई शक्ति थी जिसकी इच्छा से संसार का सब काम धाम होता है। इस शक्ति को उपनिषदों में परमात्मा या ब्रह्म कहा गया है। केन उपनिषद में यह शक्ति यक्ष के रूप में दिखाई देती है। देवराज की जय हो। महाराज, युद्ध में असुर पूरी तरह पराजित हुए। आपके प्रताप से देवताओं की विजय हुई। ठीक कहते हो, ये मेरी ही विजय है, मेरे युद्ध कौशल की विजय। मैंने इस बार ऐसा व्यू रचा था कि इसे तोड़ पाना संभव नहीं था। असुर उसी से हार गए। क्यों वायुदेव? हाँ महाराज इंद्र, मैंने भी अपने वेग से असुरों को बड़ा तंग किया। 49 वरुत मेरे साथ थे। जब हम तेजी से असुर सेना की तरफ बढ़ते थे तो उन्हें मैदान छोड़कर भागना ही पड़ता था। और अग्निदेव, आपने भी तो उन्हें कम नहीं सताया। हाँ महाराज, अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि प्रजापति के बनाए सब जीवों में देवता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। असुर, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो देवताओं को हरा सके। जब से प्रजापति ने सब जीवों की रचना की तब से बराबर असुर हमसे बैर रखते आए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा। कभी कहते हैं हम बड़े हैं, हमें यज्ञ में बड़ा हिस्सा दो। कभी कहते हैं ये पृथ्वी हमारी है, तो कभी आकाश पर अपना अधिकार जताते हैं। लेकिन इस बार हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि याद करेंगे
देवताओं की तलवारों की तीखी धार को और तीरों की पैनी नोक को। अपनी विजय से देवता इतने खुश थे कि वे भूल ही गए थे कि वे सर्वशक्तिमान नहीं थे। उन्हें ये विजय दिलाने वाली एक दूसरी ही शक्ति थी, वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म। वही परम ब्रह्म जिसे अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग नाम देते हैं, वही इस सारी सृष्टि को बनाता है, इसको पालता है और समय आने पर इसको समाप्त कर देता है। वैसे तो उसका कोई रूप और आकार नहीं है, लेकिन वो जब जिस रूप में चाहे सामने आ सकता है और पल भर में आंखों से ओझल हो सकता है। तो परम ब्रह्म ने देखा कि देवताओं को युद्ध जीतने से इतना घमंड हो गया है कि वे उसे भूल गए। उन्हें ये भी भान नहीं रहा कि उनकी इस जीत के पीछे केवल उनकी शक्ति का नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म का भी हाथ है। उसने देवताओं को सबक सिखाने की सोची। सभी देवता विजय की प्रसन्नता में उत्सव मना रहे थे। तभी वहां से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा सा यक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा विशाल आकार देखा नहीं था। अरे वो देखो, वो कौन है? कहां? वो उधर पूर्व की ओर। ओह, कितना बड़ा यक्ष जैसा आकार लगता है। हाँ, ये तो कोई बहुत बड़ा यक्ष ही मालूम होता है। कहीं ये शत्रु का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है जो हमारा भेद लेने आया है? हो सकता है, इसका पता लगाना चाहिए। अग्निदेव, आप प्रखर तेज वाले हैं, आपके तेज के सामने कोई असत्य टिक नहीं सकता। आप पता लगाइए कि ये कौन है। क्यों महोदय, कौन हैं आप? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा परिचय जानने को उत्सुक महानुभाव, आप कौन हैं? मैं हूँ अग्निदेव। इस संसार में जो कुछ है उसे पल भर में राख कर सकता हूँ। ओह, तब तो आप सच ही महान हैं। मेरे इस तिनके को तो आप फौरन जला डालेंगे। क्या आपको इसमें कोई संदेह है? नहीं 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 महानुभाव, संदेह कैसा, आप तो स्वयं अग्नि हैं, इसे जला ही डालेंगे। जला कर दिखाइए ना। ये लो। लेकिन अग्नि अपनी सारी शक्ति लगाकर हार गए और उस तिनके को नहीं जला सके। बार बार उन्होंने उसे जलाने का प्रयत्न किया और बार बार ये देखकर हैरान हो गए कि वो एक मामूली सा तिनका नहीं जला पाए। अपनी इस हार से लज्जित होकर वे लौट आए। उन्होंने बताया कि वे नहीं जान सके कि वो यक्ष कौन है। तब देवताओं ने वायु से प्रार्थना की कि वे जाकर पूछताछ करें। क्यों भाई, आप कौन हैं? महोदय, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप कौन हैं? मैं वायु हूं। मैं इस संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक पलक झपकते ही पहुंच सकता हूं। इस संसार की किसी भी वस्तु को अपने वेग से उड़ा ले जा सकता हूं। क्या, कुछ भी उड़ा सकते हैं? हाँ हाँ, कुछ भी उड़ा सकता हूं। जब मैं वेग पूर्वक चलता हूं तो बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं
पर्वतों से बड़े बड़े शिलाखंड टूटकर गिरने लगते हैं। मैं चाहूं तो अपने वेग से पृथ्वी पर किसी वस्तु को टिकने ही ना दूं। ओह, ऐसा प्रचंड वेग है आपका? तब तो आप निश्चय ही मेरे हाथ में पकड़े हुए इस तिनके को उड़ा सकते हैं। तुम मेरा उपहास करते हो। मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देता हूं और तुम मुझे ये तिनका दिखा रहे हो। तिनका नहीं दिखा रहा हूं महोदय, तिनके को उड़ाने की प्रार्थना कर रहा हूं। अच्छा, तो ये लो। वायु भी अग्नि की ही तरह अपना सारा जोर आजमाकर हार गए, किंतु उस तिनके को उड़ा नहीं सके। परास्त और लज्जित होकर वे लौट आए। तब देवताओं को लगा कि ये कोई साधारण यक्ष नहीं, वरन कोई असाधारण शक्ति है। फिर भी ये कौन है और क्या चाहता है, ये जानने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जिस यक्ष से वायु और अग्नि पराजित होकर लौट आए, उसे जानने के लिए दूसरे देवता भला क्या करते। तब उन्होंने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि वे स्वयं जाएं और यक्ष का परिचय प्राप्त करें। इंद्र यक्ष की ओर बढ़े, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही यक्ष गायब हो गया। अरे, वो यक्ष कहां चला गया? अभी तो यही था। और ये कौन सुंदरी है जो इधर ही चली आ रही है? किसी से पूछ देखो। देवी, आप कौन हैं? मैं हेमवान की पुत्री उमा हूं, इसीलिए मुझे उमा हेमवती कहते हैं। आप किस उलझन में पड़े हैं? देवी, अभी अभी स्थान पर एक विशाल काय यक्ष खड़ा था, न जाने किस ओर चला गया। राजन, वो कोई यक्ष नहीं था, वो तो स्वयं ईश्वर थे, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म। हाँ? अगर वो परम ब्रह्म थे तो उन्होंने ये लीला क्यों रची? इस तरह हमें लज्जित क्यों किया? इसलिए देवराज इंद्र, कि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने से आप लोगों में अहंकार आ गया था। आप अपने आप को सर्वशक्तिमान और असुरों को तुच्छ समझने लगे थे। तो क्या देवताओं ने अपनी शक्ति से असुरों को नहीं हराया? हाँ, ये ठीक है कि आपने अपनी शक्ति से असुरों को हराया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि असुर हमेशा के लिए समाप्त हो गए। अपने शत्रुओं को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अपनी शक्ति का भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शक्ति पर घमंड करना ठीक नहीं है। और इस तरह देवराज इंद्र ने ये जाना कि देवताओं में घमंड आ गया था, और उसी घमंड को नष्ट करने के लिए परम ब्रह्म ने ये खेल रचा था। अभी आप वैदिक साहित्य से चुनी हुई एक कहानी सुन रहे थे, यक्ष। भाग ले रहे थे रमेश मनचंदा, विकास मेहरोत्रा, सत्यप्रकाश हिंदवान, के एस पवार, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, सुचित्रा गुप्ता और अजीत गुप्ता। संस्कृत श्लोकों के वाचक थे रविंद्र नागर और रमाकांत शुक्ल, भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, ध्वनियांकन दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, प्रस्तुति एवं निर्देशन अजीत गुप्ता।